हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोरा की दुनिया। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम बताएंगे आपको कि हम अपने कैट्स का मील किस तरीके से तैयार करते हैं, जो कि बाहर मिलने वाले पैकेट वाले फूड से काफ़ी 100 times बेटर होता है, क्योंकि बाहर के फूड से किडनी डिसीज़ एंड यूरिन ब्लॉकेजेस, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिले। तो ये है हमारे एग्स एंड चिकन एंड देर इज़ पोटैटो एंड राइस, और अगर आप चाहो तो इसमें वेजीज भी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लाइक पम्पकिन, कैरेट, ये भी कैट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाहर का फूड कैट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल है, क्योंकि उसमें मोस्टली सिंथेटिक्स वगैरह आते हैं, प्रॉपर मतलब अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं इंक्लूड्स, तो जिससे कैट्स को अलग अलग बीमारियां होती हैं। लाइक जैसे हम, मेरे पास भी एक कैट थी, उसको यूरिन ब्लॉकेज हो गया था, तो और वेट ने भी मतलब वेट भी है ना, ढंग से बताते नहीं हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो हमने उसको खो दिया था। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यही फूड अपनी कैट्स को देंगे एंड होपफुली वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसको खाते भी हैं, बहुत ही मतलब इंटरेस्ट के साथ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इनको ग्राइंड कर देंगे। तो मैंने यहाँ राइस और पोटैटो मैं पहले ग्राइंड करूँगी एंड उसके बाद मैं चिकन और एग्स ग्राइंड करूँगी। तो मैंने ये पोटैटो एंड राइस डाल लिए हैं, अब इनको मैं ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पर हमारे पोटैटो एंड राइस ग्राइंड हो चुके हैं। सॉरी, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि जो भी ये पोटैटो एंड राइस, चिकन एंड एग हैं, वो हमने बॉईल किए थे, तो ये सारी चीज़ें बॉईल हैं। ओके, तो अब इसको हम निकाल लेंगे किसी भी चीज़ में। तो मैं इसको इस कंटेनर में निकाल दूँगी सारा, और इसी तरीके से हम ये बॉईल चिकन एंड एग्स भी मैश कर लेंगे। ये एग और चिकन का भी पेस्ट बन चुका है, तो ये हमारा चारों चीज़ों का मिक्सचर तैयार हो गया है एंड ये मैक्सिमम 4 to 5 days चलता है। तो आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो 4 to 5 days के लिए एंड यूज़ कर सकते हैं इसको गरम करके अपने बच्चों को देकर। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको, डोरा को खिलाती हूँ कि इसको कैसा लगता है। ये मैंने ये डोरा को दिया है, देखो कितना खुशी से खा रही है इसको। ये डोरा जस्ट शो मी, खा लो। ये देखो, देखो ये हमारे बच्चे अभी अब खा रहे हैं इसको, और कितना ज़्यादा खुशी से खा रहे हैं। इन्होंने खाना खा लिया है, तो अब ये अपने रेस्ट करेंगे आराम से। अब क्योंकि इनके पास तो कोई काम नहीं है, इनका सारा काम तो हम करते हैं, काम हम करेंगे और ये करेंगे मज़े। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इसी तरीके से आप अपने कैट्स के लिए डाइट तैयार कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।